बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसारे मोहतरम, मौजूदा बारिशों की वजह से हमारे विलेज की ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है। ये हमारा विलेज है, देखिए आप जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी, आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये देखें लोगों के माल मवेशी जो हैं, ये इनके घर जो हैं, अंदर तक पानी जा चुका है, इनका घर डूब चुका है। ये आज की सूरत हाल है 2021। शायद हमारे हुक्मरान विलेज की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश नहीं करते, हालांकि विलेज के वोट से ही इनको इलेक्शन में कामयाबी मिलती है और वहां पे जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इनके लिए जिद्दोजहद की, दिन रात एक किया, गांव में तो ऐसा होता है कि आपस में रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, झगड़े, भाई आपने वोट इसको देना, वो कहता है मैंने इसको नहीं देना, पार्टी बेस पर ये काम होता है। ये देखिए आपको जहाँ तक वो घर हैं उनके साथ भी पानी है, वो माल मवेशी, वो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी पानी में, ये भी पानी में, और इनका घर मुकम्मल तौर पर में, अभी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए इनके घर के अंदर ये कच्चे मकान हैं, वो वहाँ तक वो जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर में, ये देखें ये हमारे घर हैं, हमारा गांव है, ये देखें ये माल मवेशी, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, ये देखें आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये जानवर हैं, ये भी पानी में, ये देखें ये आज की ताज़ा सूरत हाल है। हमने बहुत दफ़ा हमारे जो विलेज के लोग हैं उन्होंने, ये जो MPA ने इनको इतला दी है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है। ये देखें अभी तो ये घर है, बहुत सारे घर हैं, जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं पानी की वजह से, सारे रस्तों पे नहीं, कुछ रास्ते हैं, ये जो आपको इस तरफ रास्ता है, ये जो कच्चा मकान है इसकी बैक साइड में, ये बंद है, लोग गुजर नहीं सकते, इतना पानी है। और वो सामने भी आपको मैं, ये जो झोंपड़ी नज़र आती है इसके सामने भी रास्ता जो है वो पानी से भरा हुआ है, लोग वहाँ से भी नहीं गुजर सकते। ये सारा का सारा पानी, ये देखें ये सारा का सारा पानी है। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को ये नज़र आ जाए और ये मामला, और इसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं गंदे पानी की वजह से। ये गांव के बिल्कुल साथ है, ये गांव का पानी है, बारिश का पानी, वो देखें हमारी फसलें जो हैं उनमें भी पानी है, यानी कि आप जहां तक नज़र दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। ये पानी रहमत भी है, लेकिन जब कभी 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 कभार रहमत भी बन जाती है, हमारे लिए रहमत बना हुआ है कि बच्चे बीमार होते हैं, हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अभी भी बारिश जारी। ये देखें आप, वो दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। तो दुआ करें कि अल्लाह की रहमत जो है वो हमारे सामने हाल हो और हमारे हुक्मरानों को ये ख्याल आ जाए, ये तसव्वुर आ जाए, ये जो जितने भी गांव हैं उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएं। ये देखें पानी, यार अल्लाह ही अब तो हाफिज़ है, अल्लाह ही हमारा है, वो दूर दूर तक आपको पानी नज़र आ रहा है, दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है, वो देखें। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों ये हमारे विलेज की, ये जो कच्ची मकान है इसकी बैक साइड पे जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कच्चे मकानों की बैक साइड पे जो रास्ता है वो पानी की वजह से बिल्कुल भी बंद हो चुका है, लोग वहाँ से नहीं गुजर सकते। तो पानी जो है वो सारे गांव का पानी भी यहाँ पे आता है, जमा होता है, जितना भी पानी कनका वो यहीं पे आता है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल अभी तक नहीं सोचा जा सका। बड़ी हुकूमतें आई, बड़े MPA नए, बहुत सारी वजारतें बदली, लेकिन हमारे गांव की कंडीशन जो है ना वो तब्दील नहीं हो सकी। जब इलेक्शन के मामलात होते हैं तो फिर जनाब ये दिन कोशिश, दिन रात कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बाद में सूरत हाल आपके सामने है।